नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। तेरहवीं संस्कार में शामिल होने आए युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। रिश्ते में युवक पीड़िता का मौसा लगता है। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। गुड़साहेगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव का मामला बताया जा रहा है। जनपद मेनपुरी की एलाऊ थाना क्षेत्र की पुलिस ने आज मोबाइल टावरों से बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुए आज जेल भेज दिया। वहीं उनके पास से एक चार पहिया गाड़ी को भी बरामद किया गया है, जिससे ये आरोपी घटना को अंजाम दिया करते थे। एसपी मेनपुरी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ये काफी शातिर गिरोह था, जो कि इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया करता था। मेनपुरी जनपद के थाना एलाऊ पुलिस व स्वाट टीम प्रभारी के द्वारा मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक मेनपुरी अशोक कुमार राय ने बताया कि ये गैंग काफी समय से सक्रिय था। ये गिरोह जनपद व अन्य जनपदों से मोबाइल टावर से बैटरी चोरी कर कम दामों में बेचा करते थे। पुलिस ने गैंग से चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल टावरों से चोरी की हुई सात बैटरी, एक मारुति सुजुकी कार, चार अवैध तमंचे चोरी के दौरान प्रयोग किए गए उपकरण और 26,500 रूपये बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को कानूनी कार्यवाही करके जेल भेजा जा रहा है। पिछले दिनों मोबाइल टावर से बैटरी चोरी की वारदातों की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में फिर जनपद की सर्विलांस टीम और साइबर टीम प्रभारी और पूरी पुलिस की टीम लगी थी, तो उसके क्रम में इस तरह से पाया गया कि एक गिरोह है जो कि सक्रिय है और इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बाद में फिर अपने विभिन्न तरीकों के माध्यम से इनके पास तक हमारी टीम पहुंची और इसमें एक राजेश जो कि कासगंज का रहने वाला है, नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है, आकाश एटा का और राहुल के द्वारा ये सात अदद बैटरी की चोरी की बैटरी, एक जो फोर व्हीलर गाड़ी जिसका यूज़ कर रहे थे और साथ में जो आर्म्स सभी के पास से जो इलीगल तमंचे और लगभग 26,300 रुपए जो चोरी का ये बैटरी चोरी वाली बैटरी बेच करके पैसे कमाते थे, तो ये सब प्राप्त हुआ है। और जनपद की चार घटनाओं का खुलासा जो कि एलाऊ थाने में, किसनी थाने में एवं अन्य दो थानों में ऐसे घटनाएं किए थे और इनके द्वारा बड़े पैमाने पर लगभग दिल्ली से लेकर के हरियाणा और कई जन अंतर जन राज्य जो है ये चोरों का गैंग है, जो कि टावरों से बैटरी चोरी करके और सस्ते दामों पर हरियाणा और दिल्ली के जो ठेकेदार उनको बेचता है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने ईवीएम की निगरानी के लिए अपने प्रहरी तैनात किए हैं। ये प्रहरी रात दिन स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैदी से ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा के अलावा किसी दल ने कोई प्रहरी नहीं ईवीएम की निगरानी में नहीं लगाया है। चुनाव आयोग ने कुछ दलों के आरोप के बाद इस बार स्ट्रांग रूम के बाहर ताला लगने वाली जगह पर करीब 4 फीट की दीवार उठवाकर दरवाजा सील कर दिया है। एक तरफ त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम मशीन और दूसरी तरफ दीवार उठाकर स्ट्रांग रूम के दरवाजे को पूरी तरह कर देना। इसके बाद चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के शक को दूर करने के लिए स्ट्रांग रूम के बाहर एक एजेंट की तैनाती का प्रस्ताव दिया। ये प्रस्ताव पहली बार नहीं दिया गया है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ईवीएम की निगरानी करवा रही है। कन्नौज की तीनों विधानसभा सीटों पर सपा के एजेंट 24 घंटे मुस्तैद हैं। दोबारा लगाइए। क्या नाम है आपका? तौसीफ कुरैशी। आप यहाँ नवीन मंदिर समिति से बैठे हैं, किस उद्देश्य से बैठे हैं, क्या कारण है यहाँ बैठने का? यहाँ कारण ये है कि हमारा अभी जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो यहाँ पर ईवीएम सारे विधानसभा की सारे जनपद की यहाँ पर हैं, तो हम लोग उस ईवीएम की निगरानी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये हम लोगों को पूरा विश्वास है, भाजपा बेईमानों की पार्टी है, वो सत्ता में है केंद्र से लेकर राज्य तक,
तो इसको ये कुछ भी चुनाव आयोग से मिलकर कर सकते हैं, तो हम लोग इसी वजह से यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, निगरानी कर रहे हैं और आखिर तक जिस दिन तक वोटिंग खुलेगी उस दिन तक हम लोग निगरानी करते रहेंगे रात दिन। तो जैसे यहाँ बैठे हैं ऐसे कितनी पार्टियाँ यहाँ पर बैठी हैं? हम लोग सपा वाले ही यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ। ऐसी क्या बात आया पड़ेगी कि कोई पार्टी नहीं सिर्फ आप ही बैठे हैं? अरे चोर थोड़ा ही ना रखाता है, हम लोगों को डर है चोरों से तो हम लोग रखा रहे हैं। अच्छा चोर जो चोर ही है वो क्यों रखाएगा? और अन्य पार्टियां कोई लड़ाई में नहीं है, उन्हें तो वो तो अपने किसी ने भाजपा का सपोर्ट किया किसी ने नहीं किया तो अपने वैसे ही रेस में नहीं है, वो अपने अपने घर हैं, उन्हें क्या मतलब है। आपके अलावा और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए? ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम ठीक हैं, फिर भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था में किस तरीके का यहाँ देखा में कौन से अर्धबल वगैरह या पुलिस कुछ यहाँ पे लगाई गई है? हाँ काफ़ी पुलिस लगी हुई है, बीएसएफ के जवान भी लगे हुए हैं सारे ड्यूटी, और लाइट वाइट की व्यवस्था भी सब एवन की गई हुई है, और हम लोग सब चौकन्ने बैठे हुए भी हैं रात में भी दिन में भी। यही 24 घंटे बैठे रहते जी, 24 घंटे हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अमेठी विधानसभा से सपा प्रत्याशी महाराजी ने मतदान किया अपने दोनों बेटियों के साथ, मतदान करने महाराजी देवी मतदान स्थल पहुंची। अमेठी के महमूदपुर स्थित बड़ा रामनाथपुर बूथ पर मतदान किया। अमेठी विधानसभा से सपा प्रत्याशी महाराजी देवी ने अपनी बेटियों के संग मतदान किया। वहीं बेटियों ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के प्रत्याशियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से हमारे आंसुओं को मुद्दा बना रहे हैं, हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। कि विकास के लिए मुद्दा लेके बोलते हैं ये सब नहीं बोल रहे, बस हमारे अपना साथ क्या हो रहा है, हमारे आंसुओं पे कमेंट किए जा रहे हैं कि उनके यही मुद्दा मिल रहा है, इसी पे उनको वोट चाहिए। और कोई मुद्दा हो लेके बोले, जनता के बीच जाए ना, और कोई मुद्दा नहीं है। आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं चार चार फॉर्चूनर लेके आप जो है आप न्याय मांग रही हैं, इसका क्या मामला है? लेके घूम रहे हैं कितना है, आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा है, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए गए हैं। हम लोग नहीं बोले हैं, हम लोग मर्यादा में गए हैं उनके साथ, मतलब अपना गाड़ियों का पास था, तीन गाड़ी थी, खाली हो जा रहे हैं, चल रही है, हम लोग तीन ही गाड़ी लेके जाते थे। आपने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है, क्या कुछ ऐसा यहाँ गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ बहुत हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जा रहा है, उनको वोट तक डालने के जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, कह रहे हैं 27 तारीख को आपको देख लेंगे, 27 तारीख के बाद। हाँ मतलब वही बाद में देख लेंगे, बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोग स्वतंत्र हैं, किसको देना है किसको नहीं देना है जनता तय करेगी, आप बताएंगे नहीं किसको देना है। अमेठी की जनता क्या लगता है आपको, क्या निर्णय दे रही है? जनता हमारे साथ है, हमारे पापा ने यहाँ पर बहुत विकास किया है, हम लोग जाते थे जनता से मिलते थे, वो हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम लोग पहले जाते नहीं थे, बच्चे ही हैं, अब जब जाते हैं तो बताते हैं कि आपके पिता ने हमारे साथ हमको बहुत मदद की है, सड़कें दिए, नल दिए हैं, कंबल दिया है, बहुत विकास किए मेरे पापा, तो हमको बताने की जरूरत नहीं, उनका 10 तारीख को पता चल जाएगा नतीजा वो जनता हाँ किसके साथ थी। क्या लग रहा है कि अमेठी की जनता क्या मतदान की है किसके पक्ष में? जनता पे पूरा भरोसा है, जनता हमारे साथ सब आ रहा है। आप लगातार जो है इमोशन कर रही हैं, और जो विपक्षी लोग हैं उसको जो है झूठा इमोशन बता रहे हैं, उस पे क्या कहना है आपका? विपक्षी वाले तो झूठ बोलना, उनको कुछ नहीं है ना, कुछ है तो है नहीं, कुछ है नहीं, कोई मुद्दा यहाँ अमेठी के लिए कुछ मुद्दा है ही नहीं, हम लोग के आंसुओं पे कमेंट कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा। अमेठी में मतदान के बीच भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाली गलौज के साथ जमकर मारपीट की। सूचना पर पहुंची भारी पुलिस बल ने मामले को शांत कराया। जगदीशपुर विधानसभा के बुबूपुर का मामला है। अमेठी चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करवा पा रही हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। जी हां, दिव्यांगों को बूथ तक पहुंचाने के लिए कोई भी सुचारू व्यवस्था नहीं है। वहीं गौरीगंज विधानसभा के दाथरा गांव के बूथ पर वोट करने पहुंची दिव्यांग लड़की को कोई व्यवस्था नहीं मिल पाई। वहीं वोट के दौरान दिव्यांग लड़के ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर अपने मत का प्रयोग किया। रुका तो बहुत तेज भाग गया। डाली सिंह आपने वोट डाला? हाँ। क्या सोच करके आपने वोट डाला? ये सोच के वोट डाला मुख्यमंत्री चुनने के लिए। मुख्यमंत्री चुनना किसको पसंद करेंगे आप? मोदी जी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।